दोस्तों यहाँ पे सांप है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये नेट है और नेट में सांप अटका हुआ है, तो हम इस नेट को फर्शी खाली तोड़ घातले त्याने, फर्शी खाली ना, हां आप नहीं गए हो इकडून जाऊ, सांप आतल्या बाजूला आहे का बाहेर, आतल्या बाजूला जास्त बरोबर उस साइड से जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तार कम कम है। और इसमें जो मुंह है अपने यहाँ पे नीचे मुंह, तो हमारे पास एक ब्लेड भी है, तो कतरी ब्लेड के पास कहाँ पर हमारे पास ब्लेड भी है, ब्लेड से हमें पूरा निकाल देंगे। हम तो नेट हम कट कर रहे हैं अभी यहाँ पे, उसका जो मुँह है या फर्श के नीचे है, उसके कारण थोड़ा उसको लग रहा है कि कोई नहीं देखता मुझे, वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं उसको ब्लेड वगैरह नहीं लगाने का। उनका मदद पाएगा ये फिरवा कर देंगे ये एड़ा उसने, देखो मेरे हाथ को बहुत ही टाइट किया है आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखते होंगे उसने किस तरह से टाइट मेरे हाथ को पकड़ा है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि ये रेड स्नेक जो है हाथ को ऐसा बांध देता है वगैरह, लेकिन ये सपोर्ट के लिए बांधता है, मतलब इसके पीछे दूसरा कोई रीजन नहीं है ऐसा बांधना वगैरह, खाली सपोर्ट के लिए बांधता है। और ऐसा बांधने के बाद पैरलेस वगैरह कुछ नहीं होता है, वो पूरा गलत मतलब अंधविश्वास है कि ऐसा बांधने पर पैरलेसिस वगैरह हो जाता है वगैरह, ये पूरा अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हम इसको धीरे धीरे निकालते हैं, ये खाली उसने सपोर्ट के लिए हमारे हाथ को ऐसा टाइट किया है, बहुत ही टाइट किया है यहाँ पे। मागापण बघितलं होतं परत सिद्ध आम्ही नाही सापडले आणि आपण और हमने इसको यहाँ से निकाल दिया है, इसको थोड़ा बाहर लेके जाते हैं। इस बड़े से रेड स्नेक को हमने नेट से सक्सेसफुली निकाल दिया है, ये लगभग 7-8 फीट के नियर अबाउट है साहब, आप देख सकते हैं इसकी लंबाई कितना लंबा है, लगभग 8 फीट के नियर अबाउट है। ये जो है टोटली बिना जेर वाला रेड स्नेक है, इसको हम घोड़ा पचड़ ऐसे बोलते हैं और दामन ऐसे बोलते हैं, इसमें जहर वगैरह कुछ नहीं होता है, लेकिन मित्र ये जो है खेती के लिए बहुत ही फायदेमंद ऐसा सांप है, फार्मर लोगों का ये फ्रेंड है दोस्त है, क्योंकि खेती के बहुत अच्छे से निगरानी करते, तो
तो अब हम इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए इसको इस बैग में पैक कर देते हैं। हमने इस सांप को सक्सेसफुली पकड़ लिया है और यहाँ के जो लोग हैं ये भी काफ़ी हैप्पी हुए कि हमने इनके घर का ये जो सांप है ये पकड़ लिया है। दोस्तों इस खूबसूरत से सांप को अब हम जंगल में छोड़ने के लिए आ गए। आप जो ये पूरा इलाका देखते हैं ये पूरा फॉरेस्ट का एरिया है और फॉरेस्ट में इस खूबसूरत ऐसे सांप को हम छोड़ देने वाले हैं। और इसमें जो सुकून है बाकी कौन सी भी चीज़ में नहीं कि जब सांप को हम ऐसे छोड़ देते हैं। ऐसे हमारे आने वाले सांपों के नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब उसके ऊपर क्लिक करें और उसके सामने जो बेल आइकॉन है ऑल नोटिफिकेशन उसके क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियो देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।